देख रहे पिटोंटो न्यूज। जिला कारागार पहुंचे कारागार एवं होमगार्ड्स राज्य मंत्री धर्मवीर प्रजापति, कैदियों को वितरित किए कंबल। अब खबर विस्तार से। उत्तर प्रदेश के कारागार एवं होमगार्ड्स राज्य मंत्री धर्मवीर प्रजापति का जिला कारागार में आयोजित कंबल वितरण कार्यक्रम में फूल मालाओं से स्वागत किया गया। कारागार एवं होमगार्ड राज्य मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने जिला कारागार में बंदियों को कंबल वितरित किए एवं बंदियों के साथ संवाद भी किया। कंबल वितरण कार्यक्रम के दौरान कारागार एवं होमगार्ड्स राज्य मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने कैदियों को हनुमान चालीसा व सुंदर कांड की पुस्तक भी भेंट की। उत्तर प्रदेश के कारागार एवं होमगार्ड्स राज्य मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने कहा कि जेल में कुछ बुजुर्ग एवं ऐसे बंदी निरुद्ध हैं जिनसे सालों से कोई मिलने नहीं आता है। साथ ही उनके पास गर्म कपड़े भी नहीं हैं। सर्दी से बचाव के लिए कंबल की आवश्यकता हम सभी को पड़ती है। इसी के दृष्टिगत बंदियों को कंबल भी वितरित किए गए। उन्होंने संवाद के दौरान कैदियों से गलती ना करने की अपील की और कहा कि आप संकल्प लें कि यहाँ से बाहर एक अच्छा इंसान बनकर निकले। आपकी एक गलती से आपका पूरा परिवार बहुत कठिनाई में जीवन यापन करता है। सहारनपुर से महेश कुमार की खास रिपोर्ट। खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। 60 साल की है ना, 60 साल की उम्र तक, ये तो 10-15 साल में चले जाएगी। आपको 60 साल की उम्र जेलों में ही बितानी है, चाहे यहाँ रहो, चाहे बलिया चले जाओ, चाहे कानपुर चले जाओ, चाहे आगरा चले जाओ। आप भी कैदी से कम नहीं है, आप वर्दी वाले कैदी हैं। इसलिए सच्चाई है भाई, अगर आपका भोग जेल से नहीं जुड़ा होता, आप बाहर एसपी होते, सीओ होते, एसडीएम होते, कहीं ना कहीं आपका भी जुड़ा है, सबका जुड़ा है। जेल विभाग से जो जुड़े हैं वो सबका जुड़ा है। इसलिए आप भी सोच लेना कि हमें भी इनके साथ, ये पशु नहीं है, ये इंसान है। कोई गलती इन्होंने की है उसकी सजा ये भोग रहे हैं। हम इंसान हैं, ये भी इंसान है। इसलिए आपका भी व्यवहार इनके साथ इंसान जैसा होना चाहिए। जेल प्रशासन के सभी लोगों का व्यवहार बिल्कुल इंसान जैसा होना चाहिए, नहीं तो हिसाब किताब आपको भी देना पड़ेगा, मुझे भी देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मैं बच जाऊं, मुझे भी देना पड़ेगा, कोई नहीं बचता। अवश्य में भोक्तव्यम। मंत्री जी आज सहारनपुर पहुंचे हैं, क्या कार्यक्रम? देखिए, सभी उत्तर प्रदेश की जेलों में जब सर्दियों का समय आता है तो अभियान चला करके हम जिन कैदियों से, बहुत से कैदी हर जेल में ऐसे हैं, 100-150-200, जिनसे उनके परिजन कोई मिलने नहीं आते, तो क्या अभियान चला करके उन कैदियों को कंबल वितरण का कार्यक्रम हम लोग करते हैं। और कानपुर की जेल में एक पहली बार अभी इस समय, इस सर्दियों में हम कंबल वितरण करने गए थे। वहाँ एक समाजसेवी संस्था सुंदरकांड का किताब एक लेकर के आई। उसने हमसे कहा कि मंत्री जी, हम सुंदरकांड की पुस्तक बांटना चाहते हैं, और वहाँ हमने वितरण किया। तो कैदियों में जो स्पर्धा हमने देखी, वहाँ से देख करके हमारे मन में आया कि सुंदरकांड हनुमान चालीसा भी बटना चाहिए। और आप लोगों ने यह देखा है किस तरह से कैदी एक लाइन से दूसरी लाइन में उठ उठ करके मांग रहे थे। इसके पीछे एक हमारा कारण भी है। कम से कम बैरकों में जब ये रहते हैं, जब खाली समय होता है, तो आपस में केस की चर्चा करते हैं। उस चर्चा से बचेंगे, कम से कम किताब का अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे, पाठ करेंगे, उस चर्चा से बचेंगे। और चर्चा से बचेंगे तो दिमाग में वो चर्चा रहेगी नहीं, एक ये भी कारण है। और सभी कैदियों के साथ मैं संवाद करता हूँ, उनको उनके परिवार से कनेक्ट करता हूँ। और आज आपने देखा भी है, जब तमाम कैदी भावुक होते हैं, रोते हैं, उनसे अपील भी करते हैं और उनसे संकल्प भी कराते हैं कि भविष्य में कोई, जब न्यायालय के माध्यम से आप बाहर जाएंगे, तो कोई दोबारा गलती ऐसी ना हो जिसके कारण आप लोग जेल में आ जाएं, परिवार बाहर संकट में रहे। तो कैदी सभी संकल्प भी करते हैं। और जब मैं आया था यहाँ, तो पहले मैं संवाद 2 बार कर चुका हूँ, 3री बार यहाँ आया हूँ, तो कैदियों ने उत्साह से हमसे कहा कि आप मंत्री बन के नहीं, एक परिवार के सदस्य बन करके आकर के यहाँ हमारे साथ बातचीत करते हैं, प्रभाव देखने को मिला है। और हम मानते हैं कि सभी कैदी 1500 जो भी संवाद में रहते हैं, सभी कैदी नंबर बदल पाए सोच, 10%, 20%, 30% भी अगर सोच बदलती है, तो मेरा ये सार्थक कदम
मैं मानता हूँ कामयाब है। सर 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है राम मंदिर का, जेलों में किस प्रकार से? निश्चित रूप से सभी जेलों में हमने मन बनाया है, सभी जेलों में लाइव प्रसारण दिखाया जाएगा सभी कैदियों को, ये हमने मन बना लिया। कोई अन्य कार्यक्रम भी जेलों में रहेगा जिस प्रकार से मोदी जी ने कहा दिवाली के रूप में मना 140 करोड़? निश्चित रूप से, देखिए 550 साल बाद हम लोगों को हमारे तमाम महापुरुषों ने त्याग समर्पण बरदान दिया है, तब जाकर के ये अवसर हम लोगों को देखने को मिल रहा है। हर साल हम दीपावली मनाते हैं, दीपावली उसी उपलक्ष्य में मनाते हैं, भगवान राम वनवास से वापस आए थे उसी उपलक्ष्य में दीपावली मनाई जाती है, तो आज तो उनका भव्य मंदिर बन रहा है तो और बड़ा उत्साह के साथ मनाना चाहिए। तो जिस प्रकार से भी आपके सामने एक मामला है जिसमें जुर्माने की एक कैदी जो है वो सजा काट रहा है, क्या उत्तर प्रदेश सरकार और आप इस प्रकार की लिस्ट को निकलवाएंगे सहारनपुर से जो इस प्रकार के जुर्मानों में कैद है? सहारनपुर से ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश से। लगभग कल हम मुरादाबाद में थे, 5 कैदी हमें ऐसे मिले, 4 पे 5,000 रुपये का जुर्माना था और 1 बंदी पे 2,000 रुपये का जुर्माना था। कल हमने जमा करा करी, कल वो बंदी हमने रिहा करा दिए। अभी 1 हफ्ते पहले मथुरा की जेल में हम गए, 900 रुपये में एक कैदी वहाँ सजा काट रहा था बिहार का, उसके 900 रुपये जमा करा करके और उसके किराए की व्यवस्था करा करके उसको बिहार भेज दिया। पूरे उत्तर प्रदेश में लगभग, मैं आंकड़ा बता रहा हूँ, 1,000 के करीब बंदी हम ऐसे छोड़ चुके हैं, और सहारनपुर ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में कोई भी बंदी छोटे छोटे जुर्माने में जो रहेगा वो जेल में अब नहीं रहेगा। ये मंत्री जी, जिला कारागार जो है संरक्षित है रोहिला किला के रूप में, इसमें निर्माण नहीं हो सकता, सुरक्षा की दृष्टि से भी काफी यहाँ पर खामियां है, तो जेल की शिफ्टिंग के लिए क्या है आपका? जमीन प्रशासन से रिपोर्ट भी मांगी गई, जमीन मैं खुद देख करके गया हूँ, आज भी मैं इस कार्यक्रम के बाद जमीन देखने जाऊंगा और जैसे हमें जमीन अच्छी लगेगी जो उसके मुताबिक हो, हमें सब बातें देखनी पड़ती है, जेल ज्यादा दूर न हो क्योंकि कैदी अगर वहाँ तारीख के लिए जाना होता है, कोई बीमार कैदी हो जाता तो एम्बुलेंस समय पर पहुँच जाए, ये सारी व्यवस्था ध्यान में रख करके हमें करनी होती है। जल्दी ही हम जमीन अधिग्रहित करके और यह काम शुरू करेंगे। ठीक है।